हेलो एवरीवन, आज हमारे सामने खड़ी है टाटा सफारी। ये फेसलिफ्ट वेरिएंट आज हमारे सामने खड़ा है जो कि टाटा ने रिसेंटली लॉन्च करा है। आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि फेसलिफ्ट सफारी क्या कुछ ऑफर करती है। सो वीडियो को जो है आप एंड तक देखिएगा। सारी चीज़ों की आज की वीडियो में जो है डिटेल में बात करने वाले हैं, क्या कुछ आपको इसके अंदर नया देखने को मिलता है, क्या कुछ चेंज हुआ है और क्या कुछ प्राइजेस वगैरह में फ़र्क आई है, सारी चीज़ों की जो है डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को आप जो है एंड तक देखिएगा। सबसे पहले इसके वेरियंट की बात करें तो ये टॉप एंड वेरियंट है सफारी में। इसके ऊपर आपको कोई और वेरियंट जो है नहीं देखने को मिलता है। ये एकम्प्लिस्ट डार्क ऑटोमेटिक वेरियंट आज हमारे सामने खड़ा है, जिसका एक शोरूम प्राइस की बात करें तो ये वाला वेरियंट आपको कॉस्ट करेगा एक शोरूम 25.74 लाख रुपीज एक शोरूम। ऑन रोड के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख सकते हो, वहां पे आपको जो है डिटेल में प्राइसिंग वगैरह देखने को मिल जाएगी। आइए अब देखते हैं की में क्या कुछ मिलता है। की बात करें तो की आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। की में कोई भी चेंज जो है नहीं देखने को मिलता है। चार बटन्स मिलेंगे, लॉक अनलॉक और फॉलो मी का। इस वाले से आप जो है बूट को अनलॉक कर सकते हैं। अब जो है आपको इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट का भी ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे टाटा का लोगो मिलेगा। दूसरी की बात करें तो बिल्कुल सेम ही दी गई है, की में कोई भी जो है फर्क नहीं देखने को मिलता है। सो ओवरऑल चाबी में यही सारी चीज़ें देखने मिलती हैं। आइए अब बात करते हैं फ्रंट से, फ्रंट में क्या कुछ जो है आपको अंदर देखने को मिलता है। उससे पहले मैं चाबी का एक स्पेशल फीचर और चेक करा देता हूँ जो इस बार ही जो सफारी में आया है। जैसे अभी कार लॉक है और आप अनलॉक करेंगे तो कार के अंदर आप जो है वेलकम फंक्शन और गुड बाय फंक्शन जो है देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से। और जैसे ही आप कार को लॉक कर देंगे तो आपको जो है गुड बाय फीचर जो है इस तरीके से जो है देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये हाईलाइट है जो कि फेसलिफ्ट के अंदर नया आया है। तो अब शुरू करते हैं फ्रंट से। सबसे पहले बात करें तो फ्रंट में आपको जो है क्रोम फिनिश में बड़ा सा टाटा का लोगो देखने को मिलेगा। वेलकम फीचर वाली लाइट मैंने आपको दिखाई दी। पियानो फिनिश में ग्रिल दी गई है, दोनों ही ग्रिल जो है पियानो फिनिश में हो गई है। मोस्टली अगर आपने फ्रंट से अभी देख ली होगी, एक बार मैं फिर से आपको दूर से दिखा देता हूँ। फ्रंट से देखने में पहले इंप्रेशन की बात करें तो पूरी की पूरी ये लैंड रोवरिश वाली फील दे रही है। ग्रिल इतनी अच्छी खासी जो है चेंज की गई है, पियानो फिनिश में ग्रिल दी गई है। फ्रंट पार्किंग कैमरा मिलेगा। नीचे बात करें तो यहाँ पे आपको रेडार लेवल 2 का जो है सेंसर भी देखने को मिलता है। वैसे एडास लेवल 2 आता है इसके अंदर। फ्रंट में दो सेंसर्स मिलेंगे सेफ्टी में। स्किट प्लेट की बात करें तो वो पूरी की पूरी जो है पियानो फिनिश में हो गई है, जो कि थोड़ा सा मुझे लगता है ड्रॉबैक है। मैट वाली रहती है तो स्क्रैचेस वगैरह थोड़े से कम आते, बट पियानो फिनिश है तो स्क्रैचेस वगैरह आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और फ्रंट में टो वगैरह का ऑप्शन जो है नई वाली फेसलिफ्ट सफारी के अंदर नहीं देखने को मिलता है। हेडलाइट सेटअप की बात करें तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, पूरा ही जो है चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे अब आपको जो है सिंगल प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलेगी एलईडी बल्ब के साथ। बाई फंक्शनल है प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिलेगा। नीचे की बात करें तो आपको जो है डुअल प्रोजेक्टर फॉग लैम्प देखने को मिलती है। अभी आपने अगर फेसलिफ्ट वाली नेक्सॉन देखी होगी तो बिल्कुल सेम ही सेटअप जो है आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। बट जो थोड़ा सा चेंज है नेक्सॉन के कंपैरिजन में, वो जो है आपको सफारी की बेजिंग जो है हेडलाइट के अंदर देखने को मिल जाएगी, नेक्सॉन वाली के अंदर नहीं आती है। सेम आपको टायर के लिए कूलिंग के लिए ऑप्शन जो है इस जगह पर भी दिया गया है, जो कि एक अच्छी चीज है। तो ओवरऑल फ्रंट में यही सारी चीज मिलती है। बोनट की बात करें तो वो कंप्लीट कुछ इस तरीके से देखने को मिला, डिजाइन आएंगे। फ्रंट व्हील सीट पे जो है आपको कैमरे का भी ऑप्शन मिलता है। अब बात करते हैं आपको एडास लेवल 2 के अंदर कौन कौन से ऐसे फीचर्स जो है देखने के लिए मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करें तो आपको इसके अंदर एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल देखने को मिलेगा, ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम आता है, फ्रंट एंड रियर कोलिजन वार्निंग सिस्टम मिलेगा, हाई बीम असिस्ट आएगी, लेन कीप असिस्ट डिपार्चर वार्निंग मिलेगी और लेन कीप असिस्ट आएगा, डोर ओपन अलर्ट मिलेगा, ट्रैफिक रियर क्रॉसिंग अलर्ट है, ट्रैफिक साइन रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम है, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम भी देखने को मिलेगा। और आपको डिटेल में सारे फीचर देखने हो एडास लेवल 2 के तो वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना, वहां पे सारी जो है मेंशन की गई है। सो फ्रंट में ओवरऑल यही सारी चीजें देखने को मिलती है। आइए अब चलते हैं लेफ्ट साइड में, लेफ्ट से देखते हैं क्या कुछ जो है चेंज किया गया है। सबसे पहले बात करें तो पूरी कार पे व्हील आर्चेस और बॉडी क्लैडिंग जो है आती है, जो कि पहले भी आती थी, उसमें कोई भी चेंज नहीं मिलेगा। जिसके डार्क एडिशन है तो डार्क की बेजिंग आपको यहां पे देखने को मिलेगी। और चेंज की बात करें तो आपको जो है डोर पे देखने को मिल जाएगा, आप डोर पे जो है आपको सफारी की बेजिंग भी देखने को मिल जाएगी। अगर आप हैरियर लोगे तो यहां पे हैरियर लिखा आएगा। सो ओवरऑल ये सारी चीजें चेंज की गई है। अब बात करते हैं और चेंज की, अलॉय व्हील्स आपको जो है कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे। डार्क एडिशन के अंदर आपको जो है पियानो फिनिश के अलॉय व्हील्स आते हैं। अगर आप इसका नॉर्मल वाला वेरिएंट लेंगे तो उसके अंदर आपको जो है डायमंड कट अलॉय व्हील्स का ऑप्शन मिलता है। सेंटर में टाटा का लोगो मिलेगा, आगे पीछे डिस्क ब्रेक आएंगे, ABS CVT जो है स्टैंडर्ड ही मिलता है, वेंटिलेटेड डिस्क हैं। टायर की बात करें तो MRF के वंडर इको ट्रैक टायर्स मिलेंगे। जिसके सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको 145, 55 और 19 इंचेस के जो है व्हील्स आते हैं। पहले पुरानी वाली जो सफारी थी उसके अंदर जो है 18 इंचेस के व्हील आते थे और सेक्शन भी थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में छोटा था। अब बात करते हैं सस्पेंशन की, सस्पेंशन की बात करें तो आगे आपको इंडिपेंडेंट मैकपर्सन स्टड सस्पेंशन मिलेंगे, पीछे आपको टॉर्जन बीम विद कॉइल स्प्रिंग के साथ जो है सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, जो कि सस्पेंशन में कोई भी जो है चेंज नहीं किया गया क्योंकि फेसलिफ्ट वेरिएंट है, तो फीचर वाइज ही जो है आपको चेंज देखने को मिलेगा। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल आउटसाइड मिरर्स मिलेंगे, स्पॉट डिटेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ इंडिकेटर्स यहाँ पे प्लेस किए गए हैं, कैमरा यहाँ पे मिलेगा और ब्लाइंड स्पॉट मिरर की बात करें तो जब ओपन करेंगे तब दिखा दूंगा। ए पिलर की बात करें तो वो भी आपको जो है बॉडी कलर देखने को मिलता है, बी पिलर भी सेम आपको जो है बॉडी कलर मिलेगा। नॉर्मल वाला वेरिएंट लेंगे डुअल टोन वगैरह तो उसके अंदर रूफ वगैरह जो है चेंज हो जाएगी।
डोर हैंडल्स की बात करें तो वो भी आपको जो है बॉडी कलर्ड ही देखने को मिलते हैं। रुके सेंसर ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों साइड दिया गया है। ऊपर रूफ रेल्स आएंगे, डुअल टोन रूफ रेल्स हैं। ऊपर फुल साइज पैनोरामिक सनरूफ आती है। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मिलेगा आपको इसका शार्क फिन एंटेना। अभी भी जो है आपको इसके अंदर जो है सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव का ही ऑप्शन मिलता है, कोई भी ऑल व्हील ड्राइव या प्रॉपर 4x4 सिस्टम का जो है ऑप्शन नहीं मिलता है सफारी के अंदर। पीछे से बात करें, पीछे से कार जो है कुछ आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। मेजर चेंज नहीं है, क्या कुछ देखने को मिलता है उनकी बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको रियर लाइट जो है बिल्कुल चेंज देखने के लिए मिल जाएगी। आप जो है कनेक्टेड टेल लाइट का ऑप्शन मिलता है, जैसे नेक्सॉन वगैरह के अंदर देखने के लिए मिला था, सेम टेल लाइट जो है यहाँ पे दी गई है। डिजाइन वगैरह भी आएंगे, सेफ्टी रिफ्लेक्टर्स हैं, रिवर्स लाइट भी यहीं पर प्लेस की गई है। सफारी की बड़ी सी बेजिंग मिलेगी, रिवर्स पार्किंग कैमरा आएगा, टाटा का लोगो मिलता है। आप जो है बूट के अंदर, वैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, हैंड फ्री गेस्चर का भी जो है ऑप्शन मिल जाएगा बूट को अनलॉक करने के लिए। तीन ऑप्शन से जो है बूट को अनलॉक कर सकते हैं। एक आपको अंदर ऑप्शन मिलेगा, दूसरा आप जो है चाबी से अनलॉक कर सकते हैं, और तीसरे अपने ऑप्शन की बात करें तो जो है आप पैर को नीचे स्वाइप करके बूट को अनलॉक कर सकते हैं, उसको अनलॉक करेंगे। अभी उससे पहले मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आपको सेफ्टी में जो है दो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। यहाँ पे प्लेस किया गया है आपको कार का स्पेयर व्हील, फुल साइज स्पेयर व्हील मिलेगा, स्टील व्हील आएगा, अलॉय नहीं आता है। यहाँ पे मिलेगा आपको का मेन एग्जॉस्ट टेल पाइप, और रियर सस्पेंशन कार का जो है कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। अब जो है पीछे की जो स्किड प्लेट है वो आपको पियानो फिनिश में देखने को मिलती है, जैसे आपको फ्रंट में मिली थी। बट इसका डिसएडवांटेज यही है कि आपको इसके टाइम के हिसाब से जो है इसमें स्क्रैचेस वगैरह इजीली पड़ सकते हैं। यहाँ पे बात करें तो रियर वाइपर और डिफॉगर दोनों का ऑप्शन मिलता है, टॉप एंड वेरिएंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको शेयर भी मिलेगा। हाई माउंट स्टॉप लैंप है, वॉशर यहीं पे प्लेस किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्पॉइलर भी आता है, वोकल फॉर लोकल की बेजिंग मिलेगी। आइए अब जो है बूट को अनलॉक करके देखते हैं, फर्स्ट टाइम ट्राई करके देखते हैं बूट अनलॉक होता है कि नहीं, क्योंकि ये वाला फीचर थोड़ा सा एक गिमिक सा ही है, कई बार काम करता है कई बार नहीं करता, पर हम जो है फर्स्ट बार ट्राई करके देखते हैं कि ओपन होता है कि नहीं। सो फर्स्ट टाइम फेल हो गए फर्स्ट टाइम पे। सेकेंड अटैम्प में जो है आपको टेलगेट ओपन होता हुआ जो है इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा। एंटी पिंच फंक्शन भी आता है टेलगेट में, अगर कोई ऑब्जेक्ट वगैरह बीच में आ जाएगा तो ये रुक जाएगा। सफारी के अंदर 7 सीटर का ही ऑप्शन जो है आपको देखने मिलता है। अभी एक सीट जो है इस टाइम पे अनफोल्ड है, दूसरी वाली फोल्ड की हुई है, तो कंप्लीट व्यू जो है आप इस तरह से देख सकते हैं। सेफ्टी रिफ्लेक्टर्स यहाँ पे मिलेंगे, और स्पेयर व्हील निकालना चाहें तो उसके लिए एक सेकंड यहाँ पे नट दिया गया है इस जगह पे, आप यहाँ से रिमूव करके जो है निकाल सकते हैं। टूल किट मिलेगी, टायर इन्फ्लेटर है, पंचर रिपेयर किट मिलेगी। यहाँ पे बूट में लगेज लैंप आती है, 3 पॉइंट सीट बेल्ट दी गई हैं। ये सारे फीचर्स नॉर्मल हैं जैसे पहले सफारी में आते थे, इसमें कोई भी जो है चेंज नहीं मिलता है। एयरबैग की बेजिंग बट आपको जो है इस बार यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगी। सीट को अनफोल्ड करना चाहें तो इस स्टेप को खींच के आप जो है सीट को फोल्ड कर सकते हैं, और फोल्ड करना चाहें तो यहाँ से आप खींच के जो है सीट को इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। तो ये वाले सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे प्लेस किया गया है आपको 8 इंचेस का JBL का सबवूफर। टॉप एंड वेरियंट में जो है आपको 9 स्पीकर का म्यूजिक सिस्टम देखने को मिलता है, लोअर वेरियंट में JBL का म्यूजिक सिस्टम नहीं आता है। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बटन दिया गया है, जिस बटन को आप प्रेस करके जो है बूट को क्लोज कर सकते हैं। ग्रैब हैंडल आएगा, मैनुअली ऑप्शन मिल जाता है ओपन करने का, कभी अगर जब काम ना करे, बैटरी वैटरी डेड हो जाए। यहाँ पे बात करें 1 लीटर का बोतल होल्डर मिलेगा, USB टाइप चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। दूसरे पोर्ट की बात करें तो वो आपको सी टाइप मिलेगा, जिसके आउटपुट की बात करें 5V 3A की जो है मैक्सिमम आउटपुट देखने को मिलेगी सी टाइप चार्जर से। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर जो है सी टाइप फास्ट चार्जर का भी ऑप्शन मिलता है 45W का। वो कहाँ पे मिलेगा वो मैं एक बार दिखा दूंगा। पिलर माउंटेड AC वेंट्स दिए गए हैं, सी पिलर पे भी अच्छे खासे ग्लास का व्यू मिल जाता है। इस वाले सीट को भी एक बार फोल्ड कर लेते हैं, कम्प्लीटली सीट जो है कुछ इस तरीके से फोल्ड हो जाएंगी। अब यहाँ पे बूट स्पेस की बात करें, जब आपकी जो है थर्ड रो वाली सीट फोल्ड रहेंगी तो लगभग आपको यहाँ पे 485 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। अगर आप इसकी सेकंड रो को भी सीट को फोल्ड कर देंगे तो लगभग यहाँ पे आपको जो है 900 लीटर का बूट स्पेस जो है आपको देखने को मिल जाएगा। थर्ड रो वाली सीट में जो है आपको 50-50 स्प्लिट फंक्शन मिलेगा, और सेकंड रो सीट की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है 40-60 स्प्लिट फंक्शन मिलता है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं, रियर वाली सीट में भी जो है आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट का ऑप्शन मिलता है। और सेकंड रो सीट की बात करें तो वहाँ पे आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आते हैं, बीच वाले के लिए हेडरेस्ट नहीं मिलता है। सो पीछे यही सारी चीज़ देखने को मिलती है। कर देते हैं बूट को क्लोज, सिंगल प्रेस से ही जो है आपका बूट क्लोज हो जाएगा। आइए चलते हैं आप राइट साइड में। राइट साइड से देखें तो कंप्लीट कार कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है, क्या कुछ चेंज हुआ है उस पर आएंगे। उससे पहले मैं दिखा देता हूँ, अब जो है आप यहाँ पे प्रेस करके भी अनलॉक कर सकते हैं, बट उसके लिए जो है एक बार कार अनलॉक होनी चाहिए। लॉक हो गई, एक बार मैं फिर से अनलॉक कर लेता हूँ। अब जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप जो है इसका टेक ऐप को जो है अनलॉक कर सकते हैं। डीजल की बेजिंग भी मिल जाएगी। सफारी के अंदर सिर्फ डीजल इंजन का ही ऑप्शन आता है, सुनने में तो आया था कि पेट्रोल भी देखने को मिलेगा, बट पेट्रोल नहीं आता है। यहाँ पे 60 लीटर का डीजल टैंक मिलेगा। एवरेज वगैरह की बात जब इंजन में पे जाएंगे तब करेंगे। 4.8 मीटर लेंथ है, 1.7 मीटर हाइट है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो उसमें कोई भी जो है आपको चेंज नहीं मिलेगा। यहाँ पे 105mm का जो है ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है, जो कि स्टैंडर्ड है सफारी और हैरियर के अंदर, उसमें कोई भी फर्क नहीं मिलता है। एक्सटीरियर में यही सारी चीज़ जो है सफारी के फेसिलिटी के अंदर चेंज की गई है। ड्राइवर साइड डोर पर भी जो है सफारी की बेजिंग देखने को मिल जाएगी।
एक्सटीरियर में यही सारी चीज़ें मिलती हैं। आइए अब चलते हैं इंटीरियर में, इंटीरियर में देखते हैं क्या कुछ जो है आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। स्टार्ट करते हैं रियर सीट से, एक बार फिर से लॉक हो गई। इसके अंदर वेलकम फंक्शन आता है तो उसकी वजह से जैसे ही की जो है आसपास जाती है तो लॉक अनलॉक होती रहती है गाड़ी, पर हम अनलॉक कर लेते हैं। जैसे ही डोर को अनलॉक करेंगे डोर ट्रिम जो है आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी, ऑल ब्लैक ट्रिम आएगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। सेम आपने अगर पुरानी वाली सफारी और हैरियर देखी होगी डार्क एडिशन के अंदर, बिल्कुल सेम ही है। डिजाइंस मिलेंगी, ब्लू इंसर्ट्स दिए गए हैं, लेदर का यूज़ मिलेगा, पावर विंडो के स्विच यहाँ पर प्लेस किया गया है, मेटेलिक फिनिश में डोर हैंडल्स हैं, सेंट्रल लॉकिंग का बटन मिलेगा। चेंज की बात करते हैं, यहाँ पे आपको जो है इस बार जो है आपको मैनुअल सनब्लाइंड का ऑप्शन जो है देखने को मिल जाता है। जो क्रेटा और सेल्टोस थी उसमें शुरुआत से आ रहा था, बट हैरियर और सफारी में ये चीज़ मिसिंग थी, अब जो है दूर हो गई है फेसलिफ्ट के टाइम पे। यहाँ पे आपको मैनुअल से जो आप ब्लाइंड जो आपको देखने को मिल जाएगा। ट्यूटर की बात करें यहाँ पे प्लेस किया गया, JBL की बेजिंग मिलेगी, लेदर का यूज़ मिलेगा डोर हैंडल पे, और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आप फोन वगैरह रख सकते हैं आराम से, 1 लीटर का बोतल होल्डर मिलेगा, स्पीकर यहाँ पे प्लेस किया गया, सेफ्टी रिफ्लेक्टर्स यहाँ पे दिए गए, चारों डोर्स में जो है आपको सेफ्टी रिफ्लेक्टर्स का ऑप्शन मिलता है, मतलब प्रॉपर लाइट है, रिफ्लेक्टर्स नहीं है। इसका फ्लैट वगैरह की बात करें तो वो नहीं आती है किसी भी डोर पे, जो है इसका फ्लैट नहीं देखने को मिलती। आई थिंक इस प्राइस ब्रैकेट में आपको देखने के लिए मिलनी चाहिए थी। लेकिन जो सीट्स की बात करें तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगी। डार्क एडिशन के अंदर जो है आपको सिंगल टोन लेदर अपहोस्ट्री सीट्स का ऑप्शन मिलता है, जिसमें भी ब्लू स्टिचिंग की गई है। नीचे आइसोफिक्स सेल सीट माउंटिंग्स मिलेंगे, 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स हैं, तीनों पैसेंजर के लिए जो है 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स ही आएंगे। एक्स्ट्रा कुशन आपके जो है हेडरेस्ट दिए गए हैं, जो कि एक अच्छी चीज है, पहली बार हमने जो है ये वाले इस टाइप के जो है हेडरेस्ट हैं क्रेटा के अंदर देखे थे, इस पे भी जो है ब्लू स्टिचिंग देखने को मिलेगी। और पूरी रूफ की बात करें तो वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है, ऑल ब्लैक रूफ आएगी। आइए अब चलते हैं अंदर और करते हैं डिटेल में सारी चीज़ों की बातें। डोर थर्ड जो है आपको कुछ इस तरीके से सुनने के लिए मिलेगी। पीछे से एक बार कंप्लीट डैशबोर्ड देखें तो वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, ऑल न्यू डैशबोर्ड है, चलेंगे उस पर भी। बट उससे पहले स्पेस की बात करते हैं। स्पेस की बात करें तो अच्छा खासा जो है आपको इसके अंदर स्पेस देखने को मिलता है, कोई भी फर्क नहीं मिलेगा। सीट के पीछे पॉकेट्स दिए गए हैं बट हुक वगैरह नहीं आते हैं। ये वाली सीट जो मैंने अभी फोल्ड कर रखी है, यहाँ पे भी सेम पॉकेट्स मिलेगी, कोई भी हुक जो है यहाँ पे भी मेंशन नहीं किया गया है। बट यहाँ पे जो है आपको को ड्राइवर सीट के लिए जो है एक्स्ट्रा बटन्स दिए गए हैं, यहाँ से जो है आप एक्सेस कर सकते हैं इस तरीके से पीछे बैठ के, वो सिर्फ को ड्राइवर सीट में मिलता है, यहाँ पे जो है ड्राइवर के लिए नहीं मिलता है। दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे, यहाँ पे प्लेस किए गए हैं सॉफ्ट ओपनिंग के साथ ग्रैब हैंडल, कोटुक आएगा, LED बेस्ड लाइट दी गई है, सेम सेटअप जो है आपको यहाँ पे भी देखने को मिलता है, लाइट यहाँ पे मिलेगी, ग्रैब हैंडल है, कोटुक मिलेगा, थोड़ा सा ब्लैक रूफ है तो लाइट की थोड़ी सी कमी आपको फील हो सकती है, बट अगर आप सनरूफ खोल लेंगे तो वो दिक्कत भी जो है दूर हो जाएगी। सीट मैंने फोल्ड कर रखी है, पीछे जाने के लिए आपको यहीं से ऑप्शन मिलता है, पीछे ऐसे कोई भी चीज़ें जो है चेंज नहीं की गई है जो मैं आपको हाईलाइट करके बताऊं। ऊपर बात करें तो एक LED बेस्ड लाइट जो है थर्ड रो के लिए भी मिल जाएगी, यहाँ पर प्लेस की गई है। अब बात करते हैं सेंटर कंसोल में क्या कुछ मिलता है। सेंटर कंसोल देखें तो कंप्लीट सेटअप जो है आपको कुछ इस तरीके से देखने मिलेगा। डिजाइन वाइज बात करें तो कोई भी चेंज नहीं है, यहाँ पे आपको फोन वगैरह रखने का स्पेस मिल जाएगा, एक USB A टाइप चार्जिंग पोर्ट आता है, और दूसरे पोर्ट की बात करें तो वो आपको जो है सी टाइप चार्जिंग पोर्ट मिलेगा, वो भी आउटपुट की बात करें तो 5 वोल्ट 3 एम्पीयर की जो है आउटपुट मैक्सिमम देता है। फास्ट चार्जर नहीं मिलेगा, फास्ट चार्जर सिर्फ आगे आता है, मैं दिखा दूंगा एक बार। फ्लोर हम की बात करें तो वो कुछ इतना देखने को मिलता है, इतना ज्यादा नहीं है, बीच वाला पैसेंजर आराम से कंफर्टेबली बैठ सकता है, क्योंकि हाइट और चौड़ाई वगैरह जो है गाड़ी की अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सेकंड पैसेंजर के वेंट्स की बात करें AC के तो यहाँ पे प्लेस किए गए हैं, हैरियर और सफारी में सेम इस जगह पे ही आते हैं, कोई भी जो है चेंज नहीं मिलेगा। एडजस्टेबल सीट बेल्ट मिलेंगी, एयरबैग की बेजिंग आती है। स्टैंडर्ड एयरबैग की बात करें तो इसके अंदर आपको जो है 7 एयरबैग देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि सेफ्टी में अच्छी चीज़ है। फिलहाल वैसे ज़्यादातर तो लोगों को पता भी होगा कि सफारी और हैरियर का जो है ग्लोबल एनकैप टेस्ट जो हो चुका है उसके अंदर 5 स्टार स्कोर किए हैं दोनों ने, तो वो तो वैसे ऑलरेडी ज़्यादातर लोगों को पता ही था कि 5 स्टार तो आना पक्के ही हैं। तो रियर सीट में यही सारी चीज़ देखने को मिलती है। आइए चलते हैं ड्राइवर साइड में, यहाँ पे बात करें तो सेम बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिलेंगे, रुके सेंसर यहाँ पे प्लेस किए गए, इसको निकाल के कवर को जो है आप इसमें फिजिकल की भी लगा सकते हैं, कभी बैटरी डेड हो जाए की तो तब काम में आएगा। यहाँ पे टाटा का लोगो भी प्लेस किया गया है, खोलते हैं डोर को। डोर ट्रिम की बात करें तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है, सेम ऑल ब्लैक ट्रिम मिलेगी, यहाँ पे सेफ्टी रिफ्लेक्टर्स दिया गया है, और यहाँ पे स्पीकर प्लेस किया गया है, 1 लीटर का बोतल होल्डर मिलेगा, साइड में अम्ब्रेला होल्डर भी आता है इसके अंदर। सेम यहाँ पे 4 पावर विंडो के कंट्रोल्स मिलेंगे, आगे की जो है ड्राइवर वाली पावर विंडो जो है ऑटोमेटिक अप एंड ऑटोमेटिक डाउन का ऑप्शन मिलता है एंटी पंच फंक्शन के साथ। चाइल्ड सेफ्टी का बटन मिलेगा, सेम डोर हैंडल्स हैं, सेंट्रल लॉकिंग का बटन आएगा, ORVM के इंटरनल एडजस्टमेंट है, ऑटो फोल्ड का ऑप्शन मिलेगा, और ब्लाइंड स्पॉट मिरर की बात करें तो वो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। ओवरऑल जब मैं उस साइड में था तो मैं बता ही रहा था आपको कि इसके अंदर ब्लाइंड स्पॉट मिरर आता है।
अब चलते हैं अंदर। उससे पहले मैं आपको ड्राइवर्स वाली सीट दिखा देता हूँ। सीट की बात करें तो आपको कुछ इस तरीके से देखने मिलेगी, सेम लेदर अपहोस्ट्री सीट्स है। इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट सीट्स मिलेगी ड्राइवर एंड को ड्राइवर के लिए, दोनों ही जो है सीट सिक्स वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट सीट्स मिलेंगी। बट ड्राइवर वाली सीट में जो है आपको मेमोरी सीट्स का भी ऑप्शन मिलता है, को ड्राइवर वाली में जो है मेमोरी सीट्स नहीं आती हैं। वेंटिलेटर का ऑप्शन मिलेगा ड्राइवर एंड को ड्राइवर और रियर सीट तीनों के लिए मिलता है। दो पैडल्स मिलेंगे क्योंकि ऑटोमेटिक वेरिएंट है, यहाँ से ओपन करेंगे कार का बोनट। और फ्यूल कैप ओपन करने के लिए मैंने बताई था, जैसे कि आप पुश करके अनलॉक कर सकते हैं इस तरीके से। सो ओवरऑल यही सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। यहाँ पर प्लेस किए गए हैं सारी टायर प्रेशर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। आइए अब चलते हैं अंदर। डोर थर्ड आपको कुछ इस तरीके से सुनने के लिए मिलेगी। कंप्लीट डैशबोर्ड जो है आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलता है, ऑल न्यू डैशबोर्ड है। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता है, ना ही टिकट होल्डर मिलेगा। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिलेगा लाइट के साथ, जो कि अच्छी चीज़ है। ग्रैब हैंडल वगैरह नहीं आता है। एयरबैग की बैजिंग मिलेगी सेम, यहाँ पे भी एयरबैग की बैजिंग है। ट्यूटर यहाँ पे प्लेस किया गया है। ग्रैब हैंडल आएगा, सॉफ्ट टच डैशबोर्ड है, एयरबैग की बैजिंग। मैट फिनिश में डिजाइंस मिलेंगी, पियानो फिनिश में इंसर्ट्स हैं। ग्लोबॉक्स को खोल के देखते हैं। सॉफ्ट ओपनिंग के साथ जो है ग्लोबॉक्स आएगा, अच्छे खासे स्पेस का ग्लोबॉक्स है, बड़े साइज का ग्लोबॉक्स मिलेगा। लाइट और कूलिंग का दोनों का ऑप्शन मिलता है इसके अंदर, बट लॉकेबल नहीं मिलेगा। लेदर का यूज है, डुअल स्टिचिंग मिलेगी। और सेंटर कंसोल देखें तो पूरे का पूरा जो है सेंटर कंसोल इसके अंदर जो है चेंज कर दिया गया है। क्या कुछ चेंज हुआ है अभी बात करेंगे उसके ऊपर। यहाँ पे मिलेगा आपको उसका ऑटो डिमिंग IRVM, यहाँ पे ऑटो का बटन मिलेगा, यहाँ पे एयरबैग को ऑन ऑफ करने के ऑप्शन है, LED लाइट के कंट्रोल्स हैं, सनरूफ के कंट्रोल्स, SOS इमरजेंसी का ऑप्शन, फोन के कंट्रोल्स। फिलहाल मैंने सनरूफ जो है ओपन कर लिया, कुछ मैंने शीशा जो है इसका बंद कर लिया क्योंकि शीशे की वजह से थोड़ा सा नॉइज वगैरह आती है, बट ब्लाइंड जो है पूरा कंप्लीटली पीछे चला जाएगा अगर पूरा पीछे कर दोगे तो। सनरूफ में यही सारी चीजें देखने को मिलती है। आइए एक बार इग्निशन को ऑन कर लेते हैं। सिंगल प्रेस में ही जो है कार स्टार्ट हो जाएगी और पूरी की पूरी कार ऑन हो चुकी है। एक बार AC को कर देते हैं क्लोज। फिलहाल पूरी कार जो है ऑन हो चुकी है। कंप्लीट ऑन होने के बाद आप पूरा व्यू देख लीजिए, कुछ इस तरीके से जो है आप ऑन होने के बाद पूरा व्यू देखने को मिलता है। इमेड लाइटिंग वगैरह भी आती है। अब डिटेल में बात करते हैं सारी चीज़ों की। सबसे पहले स्टेयरिंग व्हील से स्टार्ट करते हैं। स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो आपको कुछ इस तरीके से जो है देखने को मिलेगा। 4-spoke लेदर अप स्टेयरिंग व्हील आता है इस वाले वेरिएंट के अंदर। स्टेयरिंग व्हील जो है पूरा का पूरा चेंज कर दिया है नेक्सॉन के बाद से, जो आपको कुछ इस तरीके से स्टेयरिंग व्हील देखने को मिल जाएगा। इल्यूमिनेटेड टाटा का लोगो मिलेगा। यहाँ पे आपके सारे इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स हैं, क्रूज कंट्रोल और MID के कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं। रेन सेंसिंग वाइपर्स के कंट्रोल्स हैं, ऑटोमेटिक हेडलाइट के कंट्रोल्स मिलेंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिक वेरिएंट में आपको पैडल शिफ्टर्स भी देखने को मिलते हैं। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो वो पूरा आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। ये वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सेम ही है जो पुरानी वाली नेक्सॉन के अंदर आ रहा था, मैंने कई बार दिखाया है। अभी डिटेल में भी बात करेंगे क्या कुछ चेंज हुआ है इसके अंदर। और इंफोटेनमेंट की बात करें तो यहाँ पे मिलेगा आपको 12.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि सपोर्ट करेगा वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, USB, एयर प्योरीफायर सिस्टम मिलेगा। और यहाँ पे जो पूरे AC के कंट्रोल्स हैं वो पूरे टच बेस्ड हो गए हैं जब से नेक्सॉन आई है फेसलिफ्ट के अंदर। यहाँ पे दो AC वेंट्स मिलेंगे, सारे के सारे कंट्रोल्स पूरे आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलते हैं। फॉग लैंप ऑन ऑफ करने के लिए मिलेंगे, हैज़र्ड ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे दिया गया है। और इस वाले बटन को प्रेस करके आप जो है अंदर से बूट को अनलॉक कर सकते हैं, लॉक अनलॉक। और इस वाले बटन को प्रेस करके आप जो है कार का 360 व्यू भी जो है चेक कर सकते हैं। एक बार क्लियरिटी आप देख लो, HD कैमरा आता है इसके अंदर। कर देते हैं एक बार इसको क्लोज। यहाँ पे बात करें तो एयर सर्कुलेशन के ऑप्शन है, रियर डिफॉगर, मैक्स वगैरह का ऑप्शन, लो को चेंज करने के ऑप्शन है, सिंक वगैरह के ऑप्शन मिलेंगे क्योंकि डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC आता है, तो इस वाले को प्रेस करके आप जो है सिंक कर सकते हैं। AC के ऑप्शन मिलेंगे, ऑटो का बटन मिलेगा। नीचे जो है पूरी आपको ब्लू एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है। कंप्लीट एम्बिएंट लाइटिंग जो है यहाँ से स्टार्ट होती है और ऑल द वे ड्राइवर साइड विंडो तक जाती है। और यहाँ पे अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के ऑप्शन है। आइए एक बार टॉगल करके देखते हैं, जूम कर देता हूँ मैं। यहाँ पे टैकोमीटर की बात करें तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, पूरा का पूरा डिजिटल सेटअप है। नीचे लेन की असिस्ट दिखाता है, कूलेंट टेम्परेचर मिलेगा, CTECO ड्राइव के मोड्स हैं, ओडोमीटर रीडिंग्स, रेंज एवरेज, स्पीडोमीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, डिजिटल क्लॉक, सीट बेल्ट वार्निंग्स हैं। छातों पैसेंजर के लिए जो है आपको सीट बेल्ट वार्निंग देखने को मिलेगी और टॉप पे दिखाएगा नेविगेशन। यहाँ से टॉगल करके देखते हैं, यहाँ पे सेटिंग्स दिखाता है, यहाँ पे ट्रिप इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे ड्राइवर असिस्टेंस है, व्हीकल इन्फॉर्मेशन, डीजल एक्सॉस्ट फ्यूल, नेविगेशन, मीडिया के कंट्रोल्स, नोटिफिकेशन, सेटिंग्स के कंट्रोल्स। सो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको इसके अंदर देखने को मिलती हैं। वैसे बेसिक सही है, ज़्यादा कुछ ऐसे एडवांस फीचर नहीं है। लेन की असिस्ट वगैरह मैंने आपको दिखाई दिया, यहाँ पे दिखाता है, नीचे एक बार मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और ओवरऑल यही सारी चीज़ें मिलती हैं। और अब जो है चेक करके देखते हैं स्टीयरिंग व्हील की एडजस्टमेंट। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों देखने को मिलेगी, जो कि एक अच्छी चीज़ है।
इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन जो है आपको यहाँ पे मिलेगा। इंफोटेनमेंट कुछ इस तरीके से दिखता है और यहाँ पे प्लेस किए गए हैं आपको इसके ड्राइव मोड्स। कोई भी 4x4 या ऑल व्हील ड्राइव का सिस्टम नहीं मिलता, नॉर्मल मोड दिए गए हैं। नॉर्मल वेट मोड है, रफ मोड मिलेगा, रफ रोड मोड इज एक्टिवेटेड। सो आपको कुछ इस तरीके से व्यू सुनने को मिल जाएगी। यहाँ पे स्पोर्ट मोड दिया गया है, यहाँ पे हिल डिसेंट कंट्रोल मिलेगा। एक सेकंड मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे दिख जाए तो आपको, यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे कुछ और बटन है, इको का मोड यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे आपको मिलेगा एक USB रेगुलर 8 टाइप चार्जिंग पोर्ट और जो फास्ट चार्जर बता रहा था वो यहाँ पे देख लो। यहाँ पे सी टाइप जो है आपको 45 वॉट का चार्जिंग पोर्ट मिलता है। नीचे वायरलेस चार्जर भी मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा आपको 6 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जिसमें कि रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, स्पोर्ट के ऑप्शन है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलेगा ऑटो होल्ड फंक्शन के साथ। दो कप होल्डर्स हैं, लेदर ऐप आर्मरेस्ट आएगी, ब्लू स्टिचिंग मिलेगी। खोल के देखते हैं, कुछ इतना स्पेस मिलेगा। एयर वेंट दिया गया है, 12V का पावर आउटलेट है, USB 8 टाइप चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। सेम आपको सी टाइप चार्जिंग पोर्ट जो है इसके अंदर भी मिलेगा, बट उसके आउटपुट 45 वॉट की नहीं है, रेगुलर टाइप है। आइए अब इंफोटेनमेंट देखते हैं। इंफोटेनमेंट का होम UI जो है आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ऑल मेन्यू कुछ इस तरीके से मिलते हैं। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, इनबिल्ट एलेक्सा, AQI, क्लाइमेट, इमेज व्यूअर, JBL के मोड्स हैं, मीडिया, फोन सेटिंग्स। यहाँ पे क्विक सेटिंग्स मिलेगी, रेडियो सेटिंग्स, शेयर माई लोकेशन, साउंड डेमो, सराउंड व्यू है, टाटा असिस्टेंस मिलेगा, वीडियो प्लेयर, वॉइस असिस्टेंस, AQI वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे ड्राइवर का टेम्परेचर दिखाएगा, यहाँ पे को ड्राइवर का टेम्परेचर है, साउंड के कंट्रोल्स, नोटिफिकेशन, सर्च करने का ऑप्शन। बैक कर देते हैं, यहाँ से आप जो है टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं। पीयर डिवाइसेस के कंट्रोल्स हैं, FM के कंट्रोल्स। सो ओवरऑल सेटअप जो है आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। डिजिटल टाइम यहाँ पे दिखाता है। मिरर में यही सारी चीज़ जो है आपको नई सफारी के अंदर देखने को मिलती है। आइए फाइनली चलते हैं बोनट एरिया पे। यहाँ से ओपन होगा कार का बोनट, सिंगल प्रेस से अनलॉक हो जाएगा। इग्निशन को कर देते हैं क्लोज। यहाँ पे आपको इस तरीके से नोटिफिकेशन भी सुनने के लिए मिल जाएगी। वैसे इंजन वगैरह में कोई इतना चेंज नहीं हुआ है इसके अंदर, बट फिर भी मैं आपको जो है स्पेक्स बता देता हूँ। हाइड्रोलिक स्टड्स वगैरह नहीं आते हैं, एक बार लॉक कर लेता हूँ फिर मिलते हैं। कंप्लीट इंजन बे जो है आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। इंजन में वैसे कोई भी चेंज नहीं है, वही पुराना वाला इंजन है। ये सेम इंजन आपको जीप के कंपास और MG हेक्टर के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। स्पेक्स की बात करें तो यहाँ पे आएगा 2.0 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज क्रायोटेक डीजल इंजन, जिसके पावर की बात करें 170 BHP की पावर मिलेगी और 350 Nm का टॉर्क आएगा। यहाँ पे पढ़ भी सकते हो आप इंजन पे, क्रायोटेक 170 BHP की बेजिंग मिलेगी। इंसुलेशन वगैरह आती है, थोड़ी बहुत नॉइस करता है, बट डीजल इंजन है वो तो आपको झेलना पड़ेगा। BS6 फेज 2 कंप्लाइंट भी हो चुका है अभी। यहाँ से फिल करेंगे आप इसमें कूलेंट, यहाँ से फिल करेंगे आप इसमें वॉशर। स्टैंडर्ड वारंटी की बात करें तो आप वारंटी में भी चेंज देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मिलेगी आपको 1,35,000 किलोमीटर और 3 ईयर की वारंटी, जिसको कि आप 5 साल तक लिए एक्सटेंड करा सकते हैं। सो कैसी लगी टाटा सफारी फेसिलिट वेरियंट के अंदर कॉमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो के अंदर, कर देते हैं बोनट को क्लोज़।